छोरे ने पहने हैं हमारी छोरी के कपड़े। बच्चे डर रहे थे देर से, पूरे घर में पटाखे बजाता फिर रहे हैं। आज हम दिवाली गिफ्ट लेने जा रहे हैं। अब बकवास कर दिया देख ले। नहीं बाबू ये पेंट थोड़ी है। अरे एक ब्लेड और मंगा थ्रेडिंग भी बना देता हूँ बेटा, काम चल रहा है, फालतू मत बोल। आगे से नहीं थोड़ा पीछे से गोलू बस की तेरी कसम बहुत अच्छी की है, देख दिखा पास से देख पायल दे। चलो करो जो करना करो, ऐसे करो सूरी की तरह। हो गए मैं रेडी, इसको खाने हैं यहाँ जाना। एक गोलगप्पा 100 रुपए का, 1.5 लाख का पटाखे लगाऊंगा मैं। और आज मेरी वजह से जाम में फंसे। पंगे मत ले सूरज, बहुत ताकत होती है इनके अंदर। ये डेकोरेशन किसने करी है? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया हमारा लोंडा उठ गया और इतना जबरदस्त कलर पहना हुआ है ना इसने, दिल कर रहा है मैं ले लूं पर मुझे आएगा नहीं। मैं ले लूं बेटी, हंस रहा है। नहीं पापा आप अपना अलग पहनो, आपने भी तो पहना ग्रीन। नहीं तो बाल थोड़े से बड़े हो गए, थोड़ा हेयर कट लेना चाहिए क्योंकि सेट नहीं हो पा रहे। और यहाँ पर हमारा छोरे ने पहने हैं हमारी छोरी के कपड़े। है भाई बच्चों का ठीक है, 5-7 साल तक कुछ भी पहनाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आजकल तो वैसे भी नहीं पड़ता है ना बेटी। हाँ जी वो छुट्टी आज छुट्टी है। किस बात की? दिवाली की। दिवाली तेरी बड़ी छुट्टियाँ होती है चीकू यार। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ कितनी होती है पूजा? 1 वीक की तो होएंगी ना दिवाली की। इनको तो सबसे ज्यादा शौक है, इन्होंने क्रैकर्स भी लाने, सारी तैयारियाँ करनी है इन्होंने। दोबारा मत बजाइयो चीकू, बच्चे डर रहे हैं। अकल नहीं, बच्चे डर रहे थे देर से। कहाँ डर रहे हो? मम्मा देखो वो देख रहे, तू बम्बर को यान भी देख रहे, दाद भी देख रहे। ठीक है बाल सुबह सुबह इसको चंदी वाला इसको, इसको मैं ना बड़ी देर से मैं देख रही हूँ, इसलिए मैंने नींद भी खराब करी बहुत। पूरे घर में पटाखे बजाता फिर रहे हैं। चीकू एक बात बता, मम्मी ने अभी 2-3 चाटे लगाए हैं, तेरा गुस्सा नहीं आता? पापा गुस्सा नहीं आता, फर्क ही नहीं पड़ता तो गुस्सा कैसे आएगा? और कोई बाहर का मार देगा तो मैं तो 911 पे कॉल कर दूंगा पुलिस को। जी क्या बोलेगा? कि ये मेरे को मार रहे हैं। अरे क्या बात है पूजा, देखा समझदार। सही है बिल्कुल ठीक है, बाहर वाले से क्यों मार खानी है अभी, मम्मी का तो हक है मारने का। क्या कह रहे? चमक चलो कहाँ जाने का? क्या कह रहे? मैं तो दिवाली गिफ्ट लेने जा रही हूँ। अच्छा ये क्या कह रहे? मैंने बोला मम्मी ने अभी तेरे को 2-4 चाटे लगाए तेरा गुस्सा नहीं आया? कह रहा मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। माँ हूँ ना, तो फिर दूसरी बात क्या बोले? मैंने कोई बाहर वाला मार देगा तो कह रहा मैं 911 नंबर पे कॉल कर दूं। 911 बाहर की पुलिस का नंबर है, इंडिया की पुलिस का नंबर है। ये बाहर की यूएस का नंबर है 911, ये बाहर की वीडियो देखता है ना। ओके शॉर्ट्स। अरे मम्मा नहीं GTA पर 911 कॉल करते हैं ना पुलिस की, यूएस वाली कंट्री में जैसे हमारा 100 है ना वहाँ 911 होते हैं। चीकू 100 क्या होती है? 100 होती है ना GTA 5 तो। मैं काम कर रहा हूँ तेरी गेमिंग ना ऊपर ही लगवा रहा हूँ, इधर वाले हाँ ऊपर ठीक है। ये पापा PS5 लगवा लो ना, PS5 में खेलूंगा। दिमाग मत खराब कर, जो खेलता है ना उसी में खेलेगा। मेरे एक रूम बनवा लो, यहाँ पे लगा लूंगा अपने सेटअप सुपर और खेले रहूंगा। क्या कर दिया है? देखो ये देखो कान के पीछे, हाँ पूरा। थोड़े से ना सनस्क्रीन वगैरह लगाओ ना इनको, जो होती है बच्चों की और रैशेस हो रही है। उनके लोशन वो सब लगते हैं इनको, लोशन की वजह से हो रहा है ये, लोशन नहीं लग रहा हुआ। नहीं बेटा लोशन लग, अब एक तो ये निचला नहीं बैठता, दूसरा ये जो अरमान मलिक है ना छोटा अरमान मलिक, ये देखो ये देखो। ले जाता हूँ, ले जाओ इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। चलो पापा लेके जाएंगे, आपको दिखा के लाएंगे। और पीछे बॉडी पे भी हो रही है। तो वह आज फिर से मैचिंग कुछ पहन लिया इन्होंने, है भाई। पहले अलग अलग पहना था फिर मैंने निकाला है, मैंने कहा चल मैचिंग करते हैं। तो आज कहाँ जाने वाले हो तुम? आज हम दिवाली गिफ्ट लेने जा रहे हैं क्योंकि ना अब दिन नहीं बचे ना, सबको दिवाली भी देनी है, फिर सब लोग अपने घर जाएंगे, इसलिए दिवाली पे तो हमें दिक्कत होगी। चलो बच्चे घर जाएंगे, 2-4 दिन के व्लॉग शायद लेट हो सकते हैं क्योंकि एक व्लॉग आ सकता है, उसके बाद लेट हो जाएंगे क्योंकि हमारे जो एडिटर है वो सारे घर जाने वाले हैं। सबकी दिवाली साल में आती है ना। और हमारे साथ क्या है ना कि हम लोग व्लॉग बनाते हैं सब कुछ, इसका थक जाते हैं, फिर एडिटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये बात देखो गुड्डू, वैसे हमारे घर में 24 आवर्स इतनी भीड़ रहती है, और दिवाली वाले दिन जब घर भरा होना चाहिए उस दिन खाली हो जाता है। नहीं नहीं क्या ना, लोग देखो कमाते इसलिए कि वो अपनी फैमिली के साथ दिवाली बना सके, और ठीक है खुश है हम, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फैमिली है वो भी हमारी फैमिली है। पर उस दिन क्या होता है ना, उस दिन हम घर घर के होते हैं, गोलू पाल में सारे बच्चे हैप्पी है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखो सब होते हैं बंद हो रहा है 1 घंटा उधर को। अरे नाकुन ये मेरे बड़े बड़े हो गए ना, हो गया हो गया। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ रेंगलर के ना टायर चेंज कराने और बम्पर चेंज कराने, क्योंकि ना रेंगलर खड़ी रहती है और पायल को बहुत शौक है रेंगलर में घूमने का, और पायल बोल रही कि रेंगलर अब मैं चलाया करूँगी, इसको गाड़ी तो चलानी आती है, वो ये लेके घुमा करेंगे। नहीं मैं और गोलू घुमा करेंगे ना रेंगलर पे, कभी कॉफी पीने चले गए, कभी लंच करने चले गए, कभी कहीं कभी कहीं। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, हम रात को आएंगे। ठीक रात को मिलते हैं।
मेकअप में वैसे एक घंटा लगाती है पायल, तू है ना? 5 मिनट लगाती हूँ और मेकअप में इतने टाइम लगता है गुड्डू। ले मैं कर देता हूँ, ले गया इधर। बस मुझे आज तक ना मैंने कभी भी, जैसे अपने बहुत सारे यूट्यूबर भाई करते हैं ना कि मेकअप किया ये किया वो किया, मैंने नहीं किया ऐसा आज तक ना। आता करना उनको भी तो नहीं आता। चलो ठीक है, काम करो, ट्राई करो। तो बताइए फिर मुझे ना। अभी पायल इधर काम करो, गोलू के मुंह बदल दो। अब बकवास कर दिया देख ले, है ना? कोई बात नहीं, मेरे मुंह में कर दो, मेरे वैसे भी मैं से उठाने जा रहा। चल ठीक है, आ जाओ भाई इधर। पायल मुझे सामान बताते हो ना क्या क्या? पहले ब्लशर लगाओ। आ जाओ बता फिर कैसे लगाना। ये ऐसे लोगे ब्रश में, ठीक है? बस तो मुझे गाइड करती रहे, मैं कर दूंगा, पर ये मेकअप लगा के बाहर जाएगी। थोड़ा तरीके से लगाना बस, ठीक है? फाउंडेशन तो हो गया, फाउंडेशन का मेन होता है। हाँ। फाउंडेशन हो गया, ब्लशर लगा दो, आईलाइनर लगा दो, मस्कारा लगा दो, आईशैडो लगा दो, लिपस्टिक लगा दो, बस इतनी सारी चीजें। इतनी सारी चीजों में तो खाना बन जाता है। ये लाइनर का काम बन दे बेटा, ये लो। क्या इसको ब्रश को ऐसे करना है, डैप करना है, ऐसे ऐसे करना है। अच्छा जो पूरे मुंह पे लगाना, मैं बता, रुक जा मुंह ऐसे बताना फिर। देखो मेरा, देखो सिंगल गल। अच्छा अच्छा, और पहले बोलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ रुक जाओ ऐसे बोलते हैं पाउट ऐसे। अबे रुक तो जाओ एक मिनट, ठीक है? अरे एक ब्लेड और मंगा, थ्रेडिंग भी बना देता हूँ। नहीं थ्रेडिंग का तो टाइम नहीं हमारे पास अभी, मुझे भी बना देता हूँ। अब ये क्या है? ये आप ऐसे लगाओगे, ये ना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जैसे ड्राइंग करनी है बताती हूँ। कहाँ करनी है? आईब्रो पे ऐसे करके ना, ये देखो ये जो लाइन है ना, इससे पूरी ड्राइंग में बहुत तेज था। ड्राइंग में तो मैं मास्टर था। अच्छे से आईब्रो बनाना, तू अगली बार मुझसे बनवा। पहले ये ब्रश से आईब्रो तो ऐसे करो, ब्रश तो मारो पापा। बेटा काम चल रहा है, फालतू मत बोल यार, इसमें तो डेंडरफ है आईब्रो में तेरी। मेरी आईब्रो में डेंडरफ था, सॉरी सॉरी। आगे से नहीं, थोड़ा पीछे से। देख गोलू करने दे, चुपचाप बकवास मुझे मत समझा। गोलू बस की तू कह दी ना, मेरा कर दो फिर बाबू। अगर गोलू ना मजा है ना, मेरा नाम बदल दियो। ये लक्ष्य है, पूरा पेंट कर दिया तेरी कसम, बहुत अच्छी किया। देख दिखा पास से, देख पायल दी लग रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे सारे, जल रहे हैं, जल रहे हैं। तूने तो बोला पेंट करना है। नहीं बाबू, मैंने कहा था थोड़े तरीके से करना होता है। आपको पता है मुझे कहाँ जाना है? पानी पर जाना है, ऐसे लेके जाऊंगी। अरे इससे ज्यादा अच्छा कोई कर भी नहीं सकता। चाहे किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुला लियो, इंडिया के सबसे बड़े। मैं बोलूं ऐसी कोई बात बुरी बात नहीं, अच्छी बात। नहीं ए वाली सही सही करिए, ये थोड़ी डार्क होगी ना, इसको मैं थोड़ा लाइट कर देता हूं। ये मुझे पता नहीं था ना ये खराब हो जाता है। पीछे वाली ब्रश से करो, पीछे वाली ब्रश से होएगा लाइट। तू यही लेके जाएगी, नाम बदल दे मेरा, तू यही आईब्रो लेके ना गई तो। बस हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी साफ करना, बाकी सही। बकवास मत कर लक्ष्य। देखो आप हमें करेक्टिंग करते हैं, मैं आपको कर रही हूँ, ठीक है? रुजा फाउंडेशन निकाल दी। अरे वो थोड़ा सा काला हो गया था ना यार, बकवास कर रही है। ओए पायल और लेके क्या है? देख पायल भगवान की कसम बहुत अच्छा करा मैंने। लिपस्टिक नहीं, मस्कारा है। मस्कारा ये कहाँ लगता है? मस्कारा लगता है पलकों पे। अच्छा हाँ, पलके तो है नहीं इसकी। है बाबू, तुम लगाओ। मेरे बच्चों की पलके हैं। आप पे कहिए ना, अच्छे से लगाना है, वो भी काला काला हो जाता है। ओए इतना बड़ा आर्टिस्ट है और उससे ये मेकअप बहुत चल रहा है, और एक्टिंग देख लो इनकी फालतू की। चलो करो जो करना करो, ये लो। गोलू बैठ गई, अपना मन पक्का कर गई। चलो इधर देखो, देखा दवाई दे दी अंदर का। वाह, हंसो थोड़ा सा, खुश हो जाओ जैसे लॉटरी लगी है। पायल मस्कारा अच्छा लगा रहे, कह रहे सब कह रहे हैं। देखो तो सही, वेल दिख रहा है यहाँ से, अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट पार्टी, ओए हो क्या खतरनाक मस्कारा लगा। कैमरामैन पास से दिखाओ, ठीक है? चलो अब पायल की टर्न है। और भी तो है कुछ है? हाँ? लिपस्टिक भी लगाऊंगा पायल। लिपस्टिक लाओ बटाफट, इतना टाइम नहीं पायल। लाइनर भी लगवा लो ना। आईलाइनर? हाँ। नहीं नहीं लाइनर नहीं, पागल है क्या तू? तो पूछेगी तू लक्ष्य? लक्ष्य की मेकअप करूंगा मैं कल। हाँ करके फिर महाराज भेज, ब्राइडल मेकअप कर देना। हाँ ब्राइडल भेज दे। हाँ ठीक ठीक हो, इधर बेटा तू इतना शर्मा के क्यों खड़ा? तू बाल सुखा पहले। अरे इसके बाल सुखाना कोई। मैम कौन सी लगाओगे? कोई भी लगा दो। ये ऐसे करो सूर्य की तरह। मैं आपके असिस्टेंट थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। बकवास मत करो मैडम, बिल्कुल ठीक करा है। नहीं आपने बिल्कुल ठीक किया है बस। अच्छा ये बता, नीचे वाले होठ पे लगा के ऐसे करते हैं ऊपर वाले? नहीं आपको दोनों होठ पे लगाना पड़ेगा। कान में क्या बतानी है, वो तो दिख ही रहा है। नहीं मैं बुरा नहीं मान रही, अच्छा लग रहा है छोटी बहन के साथ। मुश्किल काम होता है, क्या लगाना है? चलो इसके तो होंठ की शेप ठीक है ही नहीं, मतलब क्या होता है? ओए बकवास मत कर, वो बाहर निकाल रही थी, फेंक देगी ये मुंह सबने। दिखा कैसे करते हैं वैसे? नॉर्मल करवा डक बाबू, थोड़ा चलाओ तो सही लिपस्टिक को। पाल तू मत छेड़, मेरा ग्राहक है भाई। मैं तो मेकअप हो गया, मैं मेकअप कर। ऐसे कर जैसे करते हैं, करो
हो गई मैं रेडी, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं देखती हूँ शीशे में शक्ल। ठीक है, अरे बिल्कुल ओके, रिपोर्ट किया है, ठीक है। पायल पायल देखो खुश हो लगा, पायल इधर आ बेटा। आज ना मेरी सच में बोलूँ, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तभी बैठी हूँ मैं पायल को पिछले एक घंटे से बोल रही हूँ। पता नहीं मेरे ना पेट में ना मीठा मीठा दर्द सो रहा है। मीठा पायल कैसा दर्द होता है? काइंड ऑफ दर्द, ऐसे हल्का हल्का दर्द जाते जाते आते जाता है। मेकअप करा पूरा अच्छा? ठीक है ठीक है पायल, आ बेटा चलो कर दो। तो गाइस कमेंट करके बताना मैंने ठीक किया गलत किया। हां मैं दिखा तेरी शक्ल, कुछ रह गया? नहीं सब हो गया। तो भैया मैं अब जा रहा हूँ गाड़ी के, बच्ची को चल रहा मेरे साथ गाड़ी लेने। मां मैं क्या बट आईब्रो थोड़ी नहीं नहीं ठीक है, आईब्रो थोड़ी सी ठीक कर लूं। नहीं ठीक नहीं करनी, बोलूं बिल्कुल ठीक है। बेइज्जती हुई एक मेकअप आर्टिस्ट की, मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया उसके बाद तू ठीक कर दिया। बिल्कुल ठीक है गोलू, मैंने देख ली, बिल्कुल ठीक है, तुझे वो लग रही है। चलो बाय बाय गाइस, मैंने कुछ भी ठीक नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ ना चिकू पापा के पास एक लिपस्टिक है, यहाँ यहाँ रही थी, मैंने अच्छे से मुंह नहीं खोला था तो वो लिपस्टिक लगाई है। बाकी बोल रही है क्या ठीक करे? बोल रही है हल्की सी आईब्रो को ठीक करके आया, मैंने कहा था बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क लग रही थी, सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ मैंने ब्रश से ऐसे ऐसे करा, बट और कुछ भी ठीक नहीं करा। बहुत ज्यादा लूज लग रही है क्या? ऐसे ही होती है, लूज लूज होती है थोड़ी, ये फंकी स्टाइल होती है। ठीक है चलो इसके साथ। तो भैया जाने से पहले थोड़ा सा प्रोटीन हो जाए, और आधा प्रोटीन तुझे दे दूंगा मैं। ले ले पापा, मेरे को दे देना। ले ले तो गाइस मैं निकल चुका हूँ भैया अपनी गाड़ी रेंगलर के पास, उसके बम्पर चेंज कराएंगे, टायर चेंज कराएंगे, और आज उसको देंगे बहुत ही क्लासी लुक, वो भी गोलू पायल के लिए। और साथ साथ पूजा भी कई बार मेरी गाड़ी चलाती है, आज मैं इसकी रेंज रोवर चला रहा हूँ लड़की की है भाई। और बिल्कुल मेरा मन नहीं है कि रेंगलर को आप इधर उधर करो, मेरा मन है उसमें और चीजें ऐड करके उसको बढ़िया सी मस्त बना, मजा आए चलाने में। ओके रिपोर्ट वाला, ओके रिपोर्ट। तो आज मैं पूजा को मोटिवेशन दे रहा था कि तू 2 घंटे जिम कर दे अपनी जिंदगी में ऐड ऑन, क्योंकि ये थोड़ी सी ना स्ट्रेस में रहती है। स्ट्रेस में क्या रहती है कि ना सारा दिन काम वाम तो होता नहीं, घर में नौकर चाकर इतने ज्यादा हैं, तो नींद दोपहर को एक आधा घंटा कर लेते, जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आ पाती। तो बस मैंने अभी इसको ज्ञान दिया है कि अपनी लाइफ में, मैं ना आपको एक बात बताऊं, चाहे नौकर चाकर हैं चाहे कुछ नहीं है, कुकिंग का काम सारा मैं खुद ही करती हूं, जो भी बनाना है अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर दे पूजा, अपने शरीर से महंगा कुछ भी नहीं है। तो पूजा को हमने पीछे बिठा दिया क्योंकि मेरी और सूरज की जोड़ी आगे की रहती है, तो मैं बोला पूजा जी आप पीछे जाओ, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप आगे बैठो, सूरज भाई पीछे है ना। सूरज हाँ बिल्कुल भाई, क्या बोलते इस बारे में? हाँ मैंने पैर भी ऊपर करने थे, मैं आराम से रिलैक्स होके बैठ जाऊंगी पीछे। तो गाइस आज पूजा की किस्मत है, आज पूजा वो करने जा रही है जो पायल ने बहुत बारी किया, यानी कि कुलचे खिलाने लाए हैं उसको। मैं कहाँ पे आया पूजा देख यार, सच में मेरी बड़ी तमन्ना थी, इतनी तारीफ सुनी है ना पायल से मैंने इसकी। तूने कभी खाया नहीं क्या? नहीं खाए हैं पर इसके नहीं खाए। अच्छा तो गाइस आज फिर पहुंच गए भाई के पास, और इनको किसी ने वीडियो दिखाई, जब लास्ट टाइम मैंने बनाई थी ना पूजा, तो किसी ने इसको वीडियो दिखाई कि तेरे पास कुलचे खाने आए थे, इसको पता नहीं था मैं कौन हूँ। तभी अभी तो इतनी स्माइलें दे रहा, अब तो पहचान गया, इलांटे के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पर भैया मेरे फेवरेट गोलगप्पे भी लग रहे हैं मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दो गोलगप्पे भी खा लेता हूँ। पूजा गोलगप्पे खाने? खट्टा मीठा मिक्स पानी, डिमांड इतनी ज्यादा है खट्टा मीठा मिक्स पानी। तो आज पूजा को मैं गोलगप्पे खिलाता हूँ, ठीक है? मैडम आलू चाहिए आपको? आलू चाहिए, फटाफट खाओ। सूरज हाँ जी, गोलगप्पे खाने? नहीं अभी किस्मत वाला जल्दी खा लो। तो भैया जिसको खाने हैं यहाँ जाना, खाओ भैया। पानी मिक्स करके दो और पानी को अच्छे से हिला लो। कैसे लग रहा है मैडम? आलू ज्यादा डालो, बहुत टेस्टी है। रोज यही मिलते हो आप? नहीं मैडम मैं साल में 2 बार ही आता हूँ। खाओ, अब ज्यादा गोलगप्पा नहीं खिलाऊंगा, 1 गोलगप्पा 100 रुपए का है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था पैसे नहीं है मेरे पास। चुपचाप खा लो, मेरी बीवियों को पता लग गया ना मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला रहा हूँ, घर नहीं घुसने देंगे अगली बारी। हाँ भाई कैसे गोलगप्पे? ओके रिपोर्ट है। तब मैं मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरे को ये खिलाएगा। तो मुझे देख के ना पीछे बहुत सारे लोग रुक रहे हैं कि मैं गोलगप्पे बेच रहा हूँ खिला रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे अगली बार खिलाऊंगा तो 100 रुपए का एक गोलगप्पा दूंगा, और यहाँ पे हम किसी दिन छोटा सा मीटअप रखेंगे जीरकपुर का। तो बहुत ही ज्यादा गजब के गोलगप्पे हैं। पूजा गोलगप्पे कैसे थे? बहुत बढ़िया, मजा आ गया जिंदगी का। मैं थोड़ी देर इधर गया, सूरज ने दूसरा गोलगप्पा खुद ले लिया, मेरी बारी थी। वेरी गुड, मुंह में पानी आ जाएगा आपके भी। तो यहाँ पर भैया हमारे कुलचे भी आ गए हैं, तो निपटा देते हैं सूरज भाई। बिल्कुल, तो मैंने 4 प्लेट पैक भी करवा ली है, लक्ष्य है घर पे हमारी नैनिया, गोलू पायल तो बाहर गई हैं, फिर भी पायल के लिए मैं एक रख दूंगा संभाल के, 4 प्लेट मैं घर लेके जाने वाला हूँ। सूरज भाई पेट भर के करना नहीं है। हाँ बिल्कुल। अभी खा लो। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ फार्म पे, फार्म पे हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे एनिमल है, उनसे आज आपको मिलवा देता हूँ। तो ये ना छोटे वाला तो कल रेस्क्यू किया पूजा हमने, ये छोटा ब्राउन। हाँ ये देखिए, अच्छा। ये अभी रेस्क्यू किया है, छोटा चोट लगी थी, एक छोटा होगा, टाके लगे, कितने टाके लगे? 10 से 12।
ऐसे कैसे? तो भाई ये बहुत ही ज्यादा छोटा बच्चा है और अभी अभी इसको 10 टांके लगे हैं और अभी थोड़ा काम भी रहा है, थोड़ा उड़ा देना इसको, ठंड लग रही होगी। नहीं नहीं धूप में रख रखा, धूप में सुला रखा है इसको। तो ये यहाँ पर हमारे बर्ड्स बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं और अब इनका पिंजरा तैयार होगा जिसमें बहुत बड़ा पिंजरा आराम से घूमते फिरते रहा करेंगे और साथ साथ हमारे रैबिट भी कुछ खाना वाना खा रहे हैं। तो गाइस हमारे चुन्नू मुन्नू आ गए हैं, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि इनका आप नाम बता दो, हम नाम क्या रखें, जो इसके नाम है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ हम खुद इनके नाम रखें। तो अभी मैं सोच रहा हूँ बड़े वाले को बाहर निकालूं, छोटे वाले को निकालूं, क्योंकि पूजा ने तो देखे ही नहीं कभी वाले ना, और ना ये नॉर्मल साइज से तो बहुत बड़े हैं, मैंने सोचा छोटे छोटे हैं। अरे अभी तो बहुत छोटे हैं ये भाई, आजा बेटा बहुत छोटे हैं अभी तो। कम शिट शिट कालू भी पूरी इंग्लिश बोलने लग गया। हाँ भाई बाहर आ जा, बाहर आ जाओ। तो कालू को हवा कर रहे हैं, कालू को गर्मी लग रही है ना, गर्मी का नाखून लगन लग रहे हैं। रियो रियो। हाँ भाई सूरज भाई ये बात चला गया ना। तो गाइस मैंने इनके नाम सोच लिए हैं, तो मैंने इसका नाम रखा है राम और इसका नाम रखा है मैंने गंगा। ठीक है गंगा, तो ये हो गया गंगाराम। तो जब भी हो गया ना हम बोला करें गंगाराम को लेके आओ, और ये आइडिया राम वाला तो मेरा था पर गंगा का पूजा ने दिया। हाँ इसलिए दिया क्योंकि ये कहते हैं ये फीमेल है। हाँ। तो इसलिए मैंने कहा गंगा सही है, गंगाराम कॉम्बो भी बन रहा है। तो भैया हमारा जो राम है ना वो पूरे फार्म में घूम रहा है, उधर भाग गया अभी, उधर भाग के अभी पूरे फार्म में घूम रहा था बेटा। हाँ जी पानी लग गया। तो भाई यहाँ पर चीकू आ गया है। चीकू क्या हाल है लड़के? पापा सही हाल है। क्या हो गया? नहीं बाबा छोटी लगी। हाँ? गीला हो गया। कैसे? पानी गिर गया था। झूठ मत बोल। पानी गिर गया देख लो। और यो नहीं गंगा, गंगा नाम रखा है अब। गंगा गंगा नहीं बेटा, बेटी टूट गया ना उसके गले में फंसेगा। डर तो नहीं लग रहा पूजा? डर नहीं लग रहा मुझे, ये वो खाना लो नीचे ना रखना। ले तो राम को सूरज भाई वहाँ से पकड़ के लाया है। हरकत कर रहा है क्या? क्या कह रहा है? काट रहा है, छोड़ दो। नहीं नहीं चीकू तू बिठा के देख, बैठ रहे तेरे पास। पापा मेरा आज वो है ना, वो देखो ये देखो छील देता क्या? छील लेता है। अभी राजा राम से मिलता हूँ, देखो पंजो मार मार के फेंक दिया। तो गाइस अभी हमारा जो पिंजरा है पूरा रेडी हो गया है, तो आज कालू भाई इनको उनके अंदर डाल देंगे जिसमें इसको पूरा स्पेस मिलेगा। और हम चाहते हैं अंदर जाके अगर हमें वीडियोस बनाने हो तो हम अंदर खड़ा करके बंद करके बना, क्योंकि भागते बहुत है। हां भागते भी फिर एरिया ज्यादा, कहीं चोट ना खा लेंगे। तो गाइस पिंजरा हो गया पूरा रेडी, आप देख लो हम भी इसके अंदर हैं और इतना स्पेस हो जाएगा कि इसमें आराम से थोड़ा बहुत खुल के अपने पंख नीचे बैठ के बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लगा लो 10 फुट का है। हां 10 बाई 10 का। हां ये पूरा बनवा दिया तो हम लोग खुले इतने खुले खुले तो भैया यहाँ पर हमारे कबूतर और ये बतख पूरी मस्ती कर रहे हैं अपने रूम में। भाई क्या हुआ? आजो बाहर आजो, बाहर आजो। तो गाइस आप भी अगर जीरकपुर रहते हैं, अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई डॉग बीमार है, गाय बीमार है, तो नीचे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर लें, कॉल कर लें। सूरज भाई कालू भाई सब यहीं रहते हैं और बहुत जल्दी टाइम में आपके पास पहुंच जाएंगे और रेस्क्यू कर लेंगे। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं घर, और घर में लेके आया था बहुत सारे कुलचे और लक्ष्य की नजर कुलचे में पड़ गई है, क्योंकि ये वाले कुलचे मैंने पहले खा रखे हैं। तो इसको ना गर्म कर लियो, जो है ना ये ब्रेड से मैं गर्म करवा के नहीं लाया था, घर पे गर्म कर लियो। ठीक है ये सिर्फ सामान सामान लेके आ रही, इसको भी गर्म कर सकते हैं। ठीक है तो गाइस आज सूरज भाई ने भैया बुलेट की कर दी है पूरी केयर, क्योंकि कोई भी बुना पूछे इससे बुलेट ले जाता है, और आज ये पूरा सीरियस है भाई। बिल्कुल अब मैंने कर दिया इसको पूरी तरह कवर, कोई भी कुछ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा। मतलब तू देगा ही नहीं, चाबी नहीं देगा? नहीं नहीं ना चाबी तो हटाई थी मैंने, सही करा। और गंदा हो जाता था कोई कभी कोई निशान, कभी कोई निशान, तो हम निशान भी नहीं रहेंगे। अब गाड़ी को आप देख सकते हो एकदम चमका के लेके आया आज मैं। तो अभी जा रहा हूँ भैया रेंगलर लेने और उसका लुक देखते थे फाइनली आया क्या, क्योंकि ना दो चार दिन क्या 5-6 महीने से बहुत गंदी लग रही थी और अब वो निखर के आएगा और अब मैं उसी में घुमा करूंगा, क्योंकि खड़ी थी वो बहुत दिनों से कम 6 महीने से मैं उसको चला ही नहीं रहा था। और ये चीकू का हेयर स्टाइल है, और साथ साथ तेरे को पटाखे भी चाहिए जी? पावर 1.5 लाख का पटाखे लगाऊंगा। कितने होते? 1.5 लाख रूपए? 1.5 लाख पूरी गाड़ी भर जाएगी। इतने होते हैं 75 रूपए के पटाखे दिलाऊंगा। चल ज्यादा धुआं प्रदूषण नहीं करना बच्चे हमें, समझ गया? सिर्फ तेरे शौक के लिए दिलवा रहा हूँ कि हाँ भी पटाखे दिवाली है, 2-4 वो भी हेल्दी वाले पटाखे। हर्बल ठीक है? हर्बल ठीक है, हर्बल ले लाऊंगा। तो वह सबके लिए बहुत ही जरूरी सूचना, हम 15 तारीख को कर रहे हैं मीटअप तुलसी फार्म, यानी कि जो हमारा स्ट्रीट डॉग का फार्म है यहीं पे। आप जब भी जीरकपुर पहुंचे वहां से लोकेशन डाल लेना आप, तुलसी फार्म जीरकपुर 15 तारीख 4 बजे पहुंचेंगे। और जितने भी हमारे ब्लॉगर भाई हैं उनके लिए स्पेशली दिल से सपोर्ट है, सब लोग आना। और उसके साथ साथ हम एक आपको मोबाइल नंबर देंगे, जब आप मीटअप पे आओगे अपनी एक बाइट बनाना 1 मिनट की,
वाली बाइट बनाना, हो सके तो थोड़ी कम भी बना लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारी बाइट मैं अपने YouTube चैनल पे लगाऊं। आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ और जीवन में आप क्या करना चाहते हो उसके साथ अपने चैनल का नाम 30 सेकंड में आप पूरा कर देना और मैं लगाने वाला हूँ अपने YouTube पे। अगर इतने लोग भी आने वाले हो, चाहे वो 1,000 हो या 10,000, चाहे वीडियो 1 घंटे की हो, चाहे मुझे 5 वीडियो डालनी पड़े अपने चैनल पे, आप विद नेम अपना बताना कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है और मैं ये करता हूँ, मुझे यहाँ आके अच्छा लगा, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, या फिर जो भी आपकी दिल की फीलिंग है वो आप बता देना। आज तक ये किसी ने नहीं किया, मैं करने जा रहा हूँ। पहुंच जाना 15 तारीख 4 बजे तुलसी फार्म जीरकपुर यानी चंडीगढ़ के पास। तो गाइस हम फंस गए जाम में, और आज मेरी वजह से जाम में फंसे क्योंकि ना मैं घर से निकलते लोकेशन लगा लेता हूँ। हम आ गए चंडीगढ़ और ये जा रहा था बिल्कुल मेरे घर के पीछे से। अब देखो जाम, देखो क्या बात, बहुत देर हो गई, मतलब आधा घंटा हो गया सारा ही लगा लो, 15-20 मिनट का रास्ता था और बहुत टाइम लग गया। तो वही जाम इतना ज्यादा खतरनाक है, चीकू मुझे मन ही मन में गालियां दे रहा है, पापा कहाँ फंसा दिया तुमने, मेरे पटाखे लेट करवा दिए। नहीं 6 बजे के पापा, बहुत देर हो गया, हमें लगा लो 1 घंटा होगा जाम में फंसे हुए। आज मुझे दिल्ली पे गर्व है, इतना जाम आ भी नहीं होता, इतना भी होता सही नहीं, 2 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच तो जाते हैं। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया चंडीगढ़ में, सैल्यूट है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए रैंगलर के पास। रैंगलर की भी हालत दिखाता हूं आपको कैसी है। अभी मैंने ये बम्पर चेंज करवाया इसका पूरा, और टायर वायर भैया अभी छोटे वाले टायर थे, तो अभी लुक ना कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, ये देखो अभी लुक है ऐसी। अब इसकी बल्की लुक आएगी भैया, ऑल टेरेन टायर डाल के, पहले 255 साइज था इसमें, अब 285 अपग्रेड कर रहे हैं। हां जी पापा देखो सिंगल लग गए हैं पे, अच्छे लग रहे हैं। ये टोइंग के लिए लगा, टोइंग के लिए क्या होता है ये टोइंग के लिए, जैसे ऑफ रोडिंग करनी है आपने, कोई गाड़ी फंस गई है तो ये बम्पर उसके लिए, मतलब टो करने के, टूट तो नहीं जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा, नहीं नहीं और ऐसे खींच दिया, एल्युमिनियम का है पूरा। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे भाई की शॉप है, कभी भी आपका अलॉय व्लॉय कुछ भी करवाना हो तो यहाँ पहुँच जाना। लोकेशन मोबाइल नंबर इनका डालने वाला हूँ, बोर्ड देख लो, ये है मोहाली के अंदर, और थोड़ा विजिट और थोड़ा सा अंदर का टूर करा देता हूँ आपको, तो अंदर चलते चलो। तो भाई अंदर घूमते घूमते ना तुम थक जाओगे, ये इतना बड़ा है और इतनी क्वालिटी, इतनी चीजें आपको मिलने वाली है यहाँ पे, चारों तरफ टायर ही टायर दिखाई देंगे आपको, चारों तरफ टायर ही टायर। तो करण भाई का नंबर डालो बायो में, जब भी आपको टायर वायर का कुछ भी चाहिए नए मॉडल में मोहाली आ जाना, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है करण भाई, स्पेशल डिस्काउंट आपका नाम, डिस्काउंट दे देना जरूर। तो गाइस अभी मैं टायर दिखाने वाला हूँ, मतलब चार टायर, रेट सुन के ना आपकी ना मतलब रूह कांप जाएगी, मतलब इतने में तो फॉर्च्यूनर आ जाती है पुरानी। ये बता रहे ये वाले टायर है बुलेट प्रूफ, इनमें ना तो गोली लगती ना ये पंचर होते, बम प्रूफ भी है। ये टायर है 25 लाख रुपए के, चार टायर। इसे कौन लेता है सर? जो सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, बड़े लोग जैसे आप हो, हमारे भाई, उनकी छोटे हैं सेफ्टी के लिए। तो ये वाले टायर ऑर्डर पे मंगाते हैं या फिर पड़े रहते हैं? बाय ऑर्डर, ऑर्डर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये वाला टायर है वो, और ये कौन सी गाड़ी का टायर है? ये हमर वगैरह का है, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, एलएक्स क्रूजर। तो मतलब हमारे पास नॉर्मल टायर भी तो है ना? हाँ नॉर्मल, ये सिर्फ ऑर्डर पे आते हैं। तो गाइस देख लो इतने खतरनाक खतरनाक टायर, मैं तो जिंदगी में पहली बार सुने। चीकू तूने पहली बार सुने? नहीं बाबू, मैंने पहले शॉर्ट से सुने, बहुत बार सुने। तो ये वाला टायर, अगर एक टायर की बात करें, कितने का पड़ा एक टायर? 6.5 का। यस सर, 6.5 लाख रुपए सिंगल टायर। तो अभी मेरी गाड़ी में जो लग रहे हैं, मैं आपको सच बता ही देता हूँ, वो भी बुलेट प्रूफ। यस, और वो कितने का तो बता दो? वो पड़ेगा सर आपको कोई 6.5 लाख रुपए, तीनों चारों। हाँ जी, डिस्काउंट दीजिए मेरे को, तो देखो डिस्काउंट दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बुलेट प्रूफ है। तो गाइस देखो गाड़ी क्या लुक हो गई है। तो भैया ये टायर मैंने डलवाए हैं, और चारों टायर यानी 5 पीछे भी है, तो मुझे पड़े 6.5 लाख रुपए का, और ये बुलेट प्रूफ है। इसमें ना तो पंचर होगा, ना गोली चलेगी, कुछ नहीं होगा। शीशे करवा दिए थे बुलेट प्रूफ? वो मैंने करवा दिए। हाँ जी, लॉन्चर प्रूफ भी है। लॉन्चर भी क्या? अच्छा अच्छी बात है, मत कर, हमारे घर में आ जाएंगे पुलिस वाले, तुम पागल बना रहे लोगों का। नहीं लॉन्चर नहीं भैया, बुलेट प्रूफ है बस। ये तो देखो हर इंसान का हक बनता है, आप बुलेट प्रूफ चीजें करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो गाइस चीकू ना टायरों के पीछे छुप गया और कह रहा है पापा मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ। तो बस अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ढूंढने की। चीकू मुझे दिखाई नहीं दे रहा, चीकू। अरे यार कहाँ छुप गया यार चीकू, यार कहाँ यार, पटाखे दिलवाने थे यार, चीकू कहाँ है? मोहाली में शॉप है, जिसको भी कोई भी शॉपिंग वॉपिंग टायरों के मामले में करनी हो तो कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे, जरूर तंग करना करण भाई को।
तो गाइस यहाँ पर आ गया मजेदार सा खाना चीकू के लिए और चीकू ने मंगवाया है पिज्जा, है ना। तो क्या ना, अभी चीकू खाने ही हमारा जब टाइम आएगा ना, कुछ लोग कमेंट करते हैं चीकू बाहर का फूड मत खिलाए दो, देखो बच्चे अभी खाने दो, जब इसका टाइम आएगा ना तो इसके फादर साहब इसको 2-3 साल में तकड़ा कर देंगे, फिट वाला नहीं कर देंगे ना। खाओ फिर। तो गाइस गाड़ी हो गई बिल्कुल रेडी और चीकू यहाँ पे मजे कर रहा है। भाई क्या हो रहा है वहाँ पे? डोले शोले मार रहा है। डोले शोले मार रहा है। तो ये हमारे भाई हैं और यही संभालते हैं, संभालते तो ये हैं, ये पैसे खर्चते हैं। तो इसी साथ नमस्कार करते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर बायो में, कभी भी आना हो यहाँ पे मेरा नाम लेके आ जाना। डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 50% आपके लिए। देखो भैया आप बाहर रेट पता कर लेना, उसके बाद यहाँ आ जाना, वही चीज सेम इनसे ले लेना मेरा नाम लेके। अगर 50% डिस्काउंट ना देना इनको बोलो अरमान भाई को अभी कॉल करो, ठीक है भाई? ओके। और नहीं दिया ना देख लो फिर मैं दोबारा आऊंगा नहीं यहाँ पे टायर डलवाने। चलो ठीक है डन जी। ओके थैंक यू। गिर जाएगा वे बंदर नीचे उतर जा। तो गाइस अभी बज गए रात के 10 और हमारे फार्म में आ गई है गाय और इसका बछड़ा, जिसका गाय का नाम तो आपको पता है कि हमने तुलसी रखना था। तो बस मैं फटाक से भाग रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि बिना मिले दिल नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत दिन से ना हम गाय की वेट कर रहे थे, कोई गाय रेस्क्यू करके आए, कोई गाय रेस्क्यू करके आए, फाइनली वो आ गई। तो भी चल रहा था जैकेट ले लो बाबा, ले ले चीकू की मैचिंग देख लो गाइस कितनी मैचिंग है, और पूरा यो बना पड़ा ये लड़का है भाई। पहले मैंने इसको घर बोल दिया, घर सो जा, घर सोने का नाम लिया ना, ऐसी शक्ल बना ली इसने कि पता नहीं इससे क्या मांग लिया मैंने। तो गाइस ये है हमारी रैंगलर की असली लुक, और अभी रैंगलर कुछ ऐसी लग रही है, सही है, मजेदार लग रही है, ज्यादा बड़े टायर भी नहीं है और ज्यादा छोटे भी नहीं। तो बहुत मुद्दों तो बाद हमने बैक कैमरा भी लगवा लिया गाड़ी में। तो गाइस जब से हमने गाड़ी ली थी ना, जब तक हमने बैक कैमरा लगवाया नहीं था, रोज कहते रहते बैक कैमरा लगवा लो लगवा लो लगवा लो, आज पूरे 1.5 साल के बाद इसमें बैक कैमरा लगा। तो गाइस अभी जो हमारे फार्म में काव आई है थोड़ी गुस्से वाली है और लक्स भी पीछे भाग लिया अभी। गुस्सा भाई इसके अंदर तो बहुत गुस्सा है कालू। क्या है डॉग है तो नई नई जगह मैंने वो करन लग रही है। नहीं और रस्सी तोड़ देगी, रस्सी तोड़ देगी पीछे भाई, मार बाल्टी तोड़ देना। पंगे मत ले सूरज, बहुत ताकत होती है अंदर, पता क्या? नहीं नहीं यही एक दो दिन में वो होगी। उसने पेट खराब है और किसी कॉल आई थी यूनी के पास थी, वो बोले भाई हम इसको अभी पाल नहीं सकते, ये प्रेग्नेंट भी है, तो आप आके ले जाओ और हम ले आए हैं। तो आपका नाम है तुलसी माँ? तुलसी 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 पास आओ। सूरज मत बैठ जाओ बैठ जाओ, हम सुबह सुबह मिलेंगे आपसे सुबह। बाय 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 बाय, चलो 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 परेशान मत, चलो चलो। तो गाइस कुछ लोग बोलते हैं कि आप बर्ड्स को पिंजरे में नहीं रख सकते, तो पहला नंबर जो ये वाले बर्ड्स है बाहर के हैं, इंडिया में इनको सेल आउट किया जाता है और बहुत ही छोटे छोटे पिंजरों में रखा जाता है। मैं लेके आया इनको और देखो इतना बड़ा पिंजरा बना दिया इनका, मतलब अगर मैं भी इसके अंदर जाके सोना चाहूँ ना तो मेरे लिए इतना कम्फर्टेबल है जैसे एक ट्रेन का डब्बा होता है, ट्रेन का डब्बा। तो ये मतलब हमारा आपको मैं बता देता हूँ, ये है 15 फुट का लंबा, तो देख सकते हो आराम से खेल कूद रहे हैं। और अंदर से दिखा देता हूँ कितनी जगह खोलिए, अंदर से देखो पूरे आराम से खेल कूद कर रहे हैं, देखो पूरा अंदर से सजा दिया है। चेक मैक होगी नहीं, कल और भी करेंगे हम, वहाँ पर उनके घर लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी। और यहाँ पे जो हमारे बड़े वाले बर्ड्स है ना, इनके लिए पूरा हो गया रेडी, और कल से आपको ये इसके अंदर ही दिखेंगे घूमते हुए। और जगह देख लो, दो डंडे लगा दो बहुत बड़े बड़े, ये वाले पिंजरे भी इसके अंदर रखे हुए हैं। और ये पूरा 10x10 का रूम बना है इनका, कि इनको घूमने फिरने में कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ भाई लड़के कोई दिक्कत नहीं ना? तो भैया यहाँ पर हमारे रैबिट्स आराम से बैठ गए हैं पराली वराली के साथ, और इनको मिलने वाला है कल से घास वास फुल तरीके से। और वहाँ पे भी पैरेट है, अलग से पैरेट है, ये देखो इनके लिए भी सजा दिया है। तो भैया और कुछ क्या लेके आने वाले हैं? हम कल लेके आने वाले हैं, कल हम जाएंगे अम्बाला, वहाँ पर हमको जोन से भी हमको पक्षी मिलेगा ना, तो वो लेके आएंगे। अम्बाला ना पूरी ना पक्षी की मार्केट है, मतलब पूरे जो हम रख सकते हैं बर्ड्स वो वाले बर्ड्स है जो बेचते हैं वो, और वही हम खरीद के लाएंगे। लाइसेंस वाला लाइसेंस लाइसेंस होते सबके। तो भैया यहाँ पर गोलू और पायल पहुंचे, इनकी शक्लें उतरी हुई लग रही है, और मैंने इनको यहाँ बुला लिया, तुम्हें घर छोड़ना चाहिए। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम तुलसी आ गए, तुलसी चल तुलसी से मिलवा के, हमने देख लिया थोड़ा साइड से, थोड़ा साइड डेकोरेटिव सा मजेदार सा मजेदार, तुलसी से मिलवा देते हैं। ये डेकोरेशन किसने करी है? चलो ये डेकोरेशन चलो मिलती हूँ। तो आज सारे दिन से ठंड नहीं लगती भाई अपने को? तो यार मुझे तो शर्ट में भी ठंड लग रही है। तो गाइस हमारे तुलसी फार्म की पहली तुलसी आ चुकी है, क्योंकि हमने यही बोला था कि मैं मिलवा चुका हूँ, बस तुम्हें मिलने जाना है। अरे ये कितनी पास आ रही है हमारी, ये हमसे मिलना चाहती है क्या? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। हेलो तुलसी के मारती है, बाय मारती है।
अगर भाग मैं जा रही, मैं भी नहीं जाऊंगी। ऐसे क्यों कर रही है, हमने क्या करा इसका? बेटा ये कह रही है इसका जो बच्चा ने पीछे, उसको लग रहा है कि तुम उसको परेशान करना चाहते हो। एक काम कर, प्यार से जा पाल, प्यार से मिल क्या, प्यार से आराम से जा, मैं हूँ आराम से। गाँव तुलसी नाम तुलसी हानिकारे हुए तो मार रही मरखनी है, तो मरखनी गुस्से वाले, गुस्से वाले एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। इसके भी बच्चे के फैमिली कैसे खेलेंगे हम? अरे बता, इसको बहुत मुश्किल से रेस्क्यू करके लेके आए हैं। इसके पास डर गए, डर गए, टुटेरे ऊपर कर रहे थे भाई, ये बच्चे से तोड़ देगी, फिर सब कैसा भगेंगे वो चलते हुए। बेटा वो गुस्से में है, इसको हम सुबह मिलेंगे आराम से। बच्चा है ना, नहीं जगह ना, बच्चे से मिलना ना, पीछे की तरफ से चलते हैं। अच्छा उसकी आंखें नहीं है, दो दो आंखें हैं, वो देख पीछे मुंडी घुमा ली उसने। गाय माता हम सुबह मिलेंगे, सॉरी अगर हमसे कोई गलती हो, और हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं आपको परेशान करने का, सुन रही है, बिल्कुल भी मकसद नहीं है परेशान करने का। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट तुलसी जी, सुबह सुबह मिलेंगे सुबह। एक किलोमीटर दूर खड़े हम इससे, बॉस भी नहीं जा रही, मेरे को तो डर क्या है, कोई रस्सी तोड़ के ना आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और मैं कहाँ भागूंगी, मैं कहाँ भागूंगी सोचो। तो गाइस हमारा तुलसी फार्म का जो बोर्ड इतने दिनों से पेंडिंग था वो बन चुका है, बहुत ही प्यारा तुलसी फार्म, लव केयर प्रोटेक्ट, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा मीटअप डेट आपको पता है, तो जो भी आना चाहता है इन नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मीटअप डेट दोबारा बता देती हूँ, 15 नवंबर को गाइस हम लोग मिल रहे हैं दोपहर के 4 बजे। तो जितने भी लोग हमसे प्यार करते हैं आप सभी आइए, और हम सबसे मिलते हैं, विद फैमिली मिलेंगे, बहुत सारी मस्ती, जितने भी ब्लॉगर भाई बहन है मेरे वो सब आ सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक एक क्लिप एक एक मिनट की आप बना के लाइए, इसमें अपना यूट्यूब चैनल भी बताइए, वो दीजिए हमें, वो हम डालेंगे तुलसी फार्म पे। आपको यहाँ पर आके कैसा लगा, हमसे मिलके कैसा लगा, लाइक और रिव्यू, जिससे हम आपका चैनल प्रमोट करेंगे। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, एक छोटी सी बाइट आप बना के देना कि आप यहाँ पहुंचे, आपको कैसा लगा, आपका चैनल का नाम, आपका कंटेंट क्या है, वो हम शेयर करने वाले हैं। और साथ साथ आप तुलसी फार्म का जो मोटिव है, जानवर एनिमल बर्ड्स को बचाना, स्टील को, वो आप थोड़ा सा शेयर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, लव केयर प्रोटेक्ट। तो जब भी आप जीरकपुर पहुंचे, यानी कि चंडीगढ़ के पास है जीरकपुर, और वहीं पे आप लोकेशन डाल लेना तुलसी फार्म गूगल, या फिर मैं एक लोकेशन पिन कर देता हूँ नीचे बायो में, आप वो भी देख के आ सकते हो यहाँ पे, है ना। आज मैं बाहर थी ठीक है पानीपत की साइड पे, मैंने ना क्या किया गूगल मैप से तुलसी फार्म टाइप करा और मैं सीधा यहाँ पहुंची, तो कहीं नहीं जाना पूरे गूगल मैप पे, सिर्फ तुलसी फार्म लिखना, बिल्कुल तुलसी फार्म के बाहर उतरोगे। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दिवाली के गिफ्ट आ चुके हैं सारे, और बच्चे बहुत ज्यादा थक गए हैं, अभी बनाई है चाय और कर ले आप आराम पाए, ठीक है जी।